साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन को कौन नहीं जानता है। इनका पूरा नाम है अक्किनेनी नागार्जुन। उनकी फैन फॉलोइंग तो ऐसी है कि उनके नाम से ही फिल्में चल जाती हैं। उन्होंने साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी खुदा गवाह, एलओसी कारगिल जैसी कई फिल्में दी हैं। लेकिन फिलहाल उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके चलते अब नागार्जुन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबरों की माने तो तेलंगाना के पेपीरेड्डी गुड्डा गांव में उनकी जमीन से एक डेड बॉडी बरामद हुई है। बता दें कि पेपीरेड्डी गुड्डा गांव में उनका तकरीबन 40 एकड़ जमीन है जो लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनकी इसी जमीन से डेड बॉडी मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस जमीन के आसपास कुछ किसान खेती कर रहे थे। खेती करते समय उन्हें पास के इलाके से कुछ गंदी सी महक महसूस हुई जिसके बाद ये मामला सामने आया। इस गंदी महक की वजह से आसपास के लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत कराई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस डेड बॉडी को वहां पड़े लगभग 4 से 6 महीने हो चुके हैं जिसकी वजह से बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी। खैर तो पुलिस ने उस जगह से सभी सैंपल्स ले लिए हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि नागार्जुन की जमीन से डेड बॉडी का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में कहीं ये मामला कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो ये नागार्जुन के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला और क्या नया मोड़ लेता है। बात करें उनके वर्कफ्रंट की तो जल्द ही वो फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में होंगे। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल यानी कि 2020 में रिलीज होगी।